नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। बोलते समय जब हम अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहते हैं तो हम थोड़ी देर विराम का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में जब विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार रहेगी: भावों को स्पष्ट करने के लिए पढ़ने, लिखने और बोलते समय रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम, जब हम सामान्य कथन वाले वाक्यों को कहते हैं तब हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे समीर नहीं जाएगा, वह घर गया। अर्धविराम, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अतिथि आ गए, वे शीघ्र लौट जाएंगे, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम आदि। अल्प विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्णता के होने पर वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। तो वाक्य के बीच में जब बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोको मत जाने दो। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह प्रायः हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना आदि सूचक शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे हाय हमारा प्यारा कुत्ता मर गया, या काश हम मैच जीत जाते। उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का नाम, उपनाम, पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्रों आदि के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इकहरा तथा दुहरा दो प्रकार से किया जाता है। उदाहरण दिया गया है अनाभ्यासे विषम विद्या तथा एक कवित्री का नाम दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों, शब्द युग्मों तथा पुनरुक्त शब्दों के बीच किया जाता है। पुनरुक्त शब्द वो होते हैं जिनको दोबारा कहा गया हो, जैसे माता पिता, सुख दुख, तन मन आदि इसके उदाहरण हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए किया जाता है, जैसे तुलसीदास का कथन है, राम नाम की महिमा अपार है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सभी भारतीय भाषाएं नदियां हैं तथा हिंदी महानदी। कोष्ठक, कोष्ठक का प्रयोग हम क्रम सूचक अंकों या वर्णों के साथ करते हैं या फिर व्याख्यात्मक शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऊपर उदाहरण में आपको दिखाया गया है। हंस पद का प्रयोग किया जाता है, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाने की स्थिति हो उस समय हम छूटे हुए शब्द के स्थान पर थोड़े सा हंस पद का चिन्ह लगाकर उस शब्द को लिख देते हैं। उदाहरण आपको दिया गया है, स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं, तो प्रसन्न लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया गया है। लाघव चिन्ह होते हैं संक्षिप्त रूप लिखने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी में म के बाद हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, के आर नारायणन में के और आर के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा ये आज का अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।